Next question. Question says the average separation between a proton and electron in a hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. पहला सवाल है कैलकुलेट द कोलंबिक फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन. सेकंड पार्ट है व्हेन द एटम गोज इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स द वैल्यू इन द ग्राउंड स्टेट. सवाल है व्हाट इज द कोलंबिक फोर्स इन दिस स्टेट. नाउ बहुत सिंपल सवाल है. सिनेरियो ये है कि पहले केस में यह आपका न्यूक्लियस है और यह आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे घूम रहा है. सो यह आपका प्रोटॉन है, यह आपका इलेक्ट्रॉन है. इन दोनों के बीच में हमें बताना है एवरेज कोलंबिक फोर्स क्या होएगा. सो हम यूज़ कर सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज अपना बराबर होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये अपने को दिया हुआ है 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 11 स्क्वायर. माइनस 11 है ना, हाँ. सो ये आपका वैल्यू आ जाएगी. नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है एफ ई वो आएगी आपकी 8. मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन, यह आपका फोर्स हो जाएगा. नाउ सेकंड सिनेरियो में तो आपका केस ए उसका आंसर हो गया. सेकंड केस में अपना जो प्रोटॉन है और ये पहले इसका ओरिजिनल पाथ था, ऑर्बिट था, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा था, और ये आपका प्रोटॉन है. नाउ एक्साइटेड स्टेट में जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा है सो ये डिस्टेंस आपका 4R हो गया. पहले इनिशियल अगर आपका डिस्टेंस R था तो इस केस में आपका जो F न्यू आएगा सो दैट विल बी इक्वल टू, अगेन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के. सो दिस विल बी इक्वल टू F नॉट जो आपका ओरिजिनल था डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 16. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम 4R स्क्वायर कर रहे हैं. इसके आपके फॉर्मूला अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय 4R का स्क्वायर. पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा. तो यानी कि आपकी जो F न्यू है F डैश या F न्यू उसकी वैल्यू हो जाएगी जो ओरिजिनल फोर्स आया है विच इज़ 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16 से इसको डिवाइड कर देना है. सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन. ये आपका नए फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. सो दिस विल बी आर राइट आंसर.